अगर TDS, TCS रिटर्न को फाइल करते हो तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है प्लीज उसे miss मत करना वीडियो लग जाएगी आई पे पे ये कर लिया जाएगा कि आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है उससे पहले गैस, अगर आप मेरे नए हैं तो करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन सपोज करो गाइज आपके ट्वेंटी सिक्स में इनकम रही है पांच करोड़ आपने आई फाइल किया कितने की तीन करोड़ की तो क्या आपको नोटिस आ सकता है डेफिनेटली नोटिस आएगा बट इस डिफरेंस को एओ आपसे बिना पूछे क्या आपकी इनकम को असेस कर सकता है पहला क्वेश्चन क्या इनकम असेस कर सकता है सेकंड क्वेश्चन क्या सीआईटी अपील अगर आप उनके पास जाते हो तो क्या आपकी नेट प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा सकती है चेंज कर सकती है तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किया और लाइक करना इन द गिवन केस एस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हैंडलिंग मेंटेनिंग, क्लीनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट असेसिंग द इनकम ऑफ एस में उनके पास कितनी पेमेंट रिफ्लेक्ट कर रही थी पांच करोड़ की फाइव करोड़ फिफ्टी फोर लैख की तो एओ ने क्या किया डेफिनेटली जो करना चाहिए था शो कोस नोटिस इश्यू कर दिया ठीक है एस को रीजन फॉर द डिफरेंस रीजन पूछे उन्होंने एस एससी ने क्या बोला दी ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस वॉज टेकन ओवर बाई द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम फर्स्ट जून टू थाउजेंड एट और यह जो डिफरेंस वाला अमाउंट है यह हमारा नहीं है एस एस सी का नहीं है यह होल्डिंग कंपनी का फॉर रेंडरिंग सर्विस एज एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस सर सर अगर यह होल्डिंग कंपनी का अमाउंट है तो एस एससी के ट्वेंटी सिक्स डेज में कैसे शो हो रहा है आगे चलते हैं The submitted that. This discrepancy happened due to wrong information filled by बाय पे इन फॉर्म as मतलब गलती से क्या हुआ होल्डिंग कंपनी के पैन की बजाय असेसी का पैन नंबर चला गया जिससे क्या हुआ ये जो डिफरेंस था असेसी के ट्वेंटी सिक्स ए एस में शो कर रहा था दैट देर वॉज नो opportunity पढ़ो इसको देर वॉज नो opportunity फॉर हिम टू क्रॉस वेरीफाई द फैक्ट ड्यू टू पोसिटी ऑफ टाइम की मेरे पास टाइम की कमी थी तो उन्होंने क्या किया एस एससी की इनकम में एड कर दिया मतलब क्या रीजन दिया कि मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैंने क्या किया एड कर दिया इसके बाद एस एससी ने फाइल कर दी अपील बिफोर द सी आई टी अपील एंड आई बिलीव गो ऐसे केस लोग अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना वेयर इन दी आई टी अपील ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एस एस सी ये तो बात एस के फेवर में आ गई कि एओ ऐसे नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसे क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकता जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ये बात तो गलत है एओ को वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा बट सीएटी अपील ने भी क्या किया एक जादू चला दिया सीएटी अपील ने क्या किया नेट प्रॉफिट परसेंटेज को जो कि एक थी उसको बढ़ाकर क्या कर दिया ग्यारह कर दिया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस अमाउंट तो एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ द सीएटी अपील एओ ने भी क्या किया फाइल कर दी अपील तो इश्यूज क्या क्या सामने आए नंबर वन वेदर द एओ कैन मेक एडिशन ऑफ डिफरेंस इन अमाउंट रिफ्लेक्टिंग बिटवीन फॉर्म ट्वेंटी अकाउंट एस द इनकम ऑफ एस एस सी मतलब एओ देखो एडिशन तो कर सकता है बट उनसे रीजन जरूर मांगेगा बिना रीजन मांगे एओ कुछ भी एड नहीं कर सकता सेकेंड क्वेश्चन वेदर द सी आई टी अपील कैन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एट डिफरेंट परसेंटेज एस अगेंस्ट कैलकुलेटेड बाय द एस तो आई टी ए ने क्या बोला ऑब्जर्व दैट एस हैज ब्रोड टू द नोटिस ऑफ एओ दैट ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस होल्डिंग कंपनी कर रही है और ड्यू टू रॉन्ग सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पैन नंबर गलत दे दिया मतलब एस का दे दिया इंस्टेड ऑफ द होल्डिंग कंपनी तो यह जो इनकम गलती से ट्वेंटी सिक्स एस में एस के चली गई फर्दर ऑब्जर्व दैट सर्विस वर नॉट क्लेम टू बी द

अकॉर्डिंगली एओ की अपील को डिसमिस कर दिया गया आई में और सीआईटी अपील को बोला कि आपने जो प्रॉफिट परसेंटेज को चेंज किया है आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवाओ की उसको रिजेक्ट करो एज पर दिन वन फोर्टी फाइव ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उनको रिजेक्ट करो ना आप ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं कर सकते हेंस द ऑफ हैं अपील फेल्स बीग बैड इन लो डायरेक्टेड द डिलीशन ऑफ एस्टिमेटेड अमाउंट सो आई बिलीव गाइज आपको ये वीडियो काफी रेलिवेंट लगी होगी और कंपनीज के लिए गाइज एक इंपॉर्टेंट दो सर्कुलर आए हैं लेट फीस वेवर के लिए तो वीडियो नहीं देखिए तो लग जाएगी आई बटन पे आप जाके देख सकते हो थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय